नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य और आप देख रहे हैं एवरेस्ट 24 न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं बड़ौद के आज़ाद नगर के वार्ड नंबर 3 में, जहां से अभी और प्रत्याशी स्वराज जी हैं हमारे साथ में बैठे हुए हैं। और इस वार्ड की जो प्रमुख समस्या है वो मेरे पीछे जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये जल भराव जो यहाँ पर होता है उसको निकालने के लिए एक पंप चलाया हुआ है, इससे पानी निकल कर बाहर आ जाए। बरसात के मौसम में यहाँ पर नदी बन जाती है इस पूरे रास्ते पर, लेकिन जो चेयरमैन ने पहले वादे किए थे उन पर कहीं भी खरा नहीं उतरे हैं। और अब की बार बीजेपी ने बड़ौद से सुधीर मान को टिकट दिया, जबकि रालोद ने अश्विनी तोमर पर दोबारा दांव खेला है। आइए तमाम बातचीत कर लेते हैं। वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हैं सोरा सिंह जी। सोरा जी, स्वागत है आपका। अच्छा जी, हम ये चाहते हैं जी, एक तो यहाँ पार्क बनना चाहिए। आपका स्वागत है सबसे पहले। स्वागत है सोरा जी। सबसे पहला सवाल, आप सब्जी के व्यापारी हैं, चुनाव मैदान में क्यों आए हैं? बस महाराज जी कर रहा था जी। क्या उद्देश्य क्या है, क्यों हम यहाँ आए? सफाई के लिए आए, हम बाढ़ की सफाई करें और किसी का कहने का मौका ना मिले। मुझे सफाई किया जो बच्चों का मान लो पार्क है या मान लो जिस बारे में मान लो हम सोचेंगे अब हमें पार्क बनाना है, हम इनके वादे पूरे करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, रही गाड़ी गली नड़े ये नाड़ी पाड़ी सब घड़ोंचे वगैरह से जो मतलब गंदगी हो रही, इन्हें जो है शुद्ध करेंगे। केवल स्वच्छता संबंधी समस्या है, अलग भी समस्याएं हैं यहाँ पर? समस्या यहाँ इतने हो रही जी, कीड़े पड़ रहे नाड़ियों में। नहीं, नाली से अलग और भी समस्याएं हैं क्या? हाँ जी, झाड़ू नहीं लगती, यहाँ जमादार यहाँ नहीं आते, वो समस्या तो बेचारे ये मशरूम है इतने भुंडी ढाल हो रहा, मच्छर इतना हो जाए बहुत ज़्यादा। लाइट की बात कर रहे हैं आप, विद्युत व्यवस्था ठीक नहीं है? नहीं है, नहीं, लाइट की भी ऐसी कमजोरी हो रही है। और इससे अलग भाई यही दिक्कत है जी, मतलब ना तो यहाँ स्कूल है, एक राशन कार्ड मतलब राशन का जो है वो इन्हें बेचारों का पल्ली तरफ जाना पड़े, वो इनका इधर ही हो जा। अच्छा जी, तो इसकी भी कोशिश करेंगे हम। आप सरकार की जो योजना है जैसे बात करूँ प्रधानमंत्री आवास योजना की, क्या बना है किसी का मकान यहाँ? यहाँ जी हाँ बने। कितने मकान बने हुए मेरे ख्याल में? पचास साठ है, पचास साठ है जी। आयुष्मान कार्ड कितने बने होंगे? कितने बने होंगे? नहीं बने जी। वृद्धार विधवा पेंशन नहीं बनी। कितने लोग आते हैं आपके पास में भारी पेंशन कटी हुई है? सभी आ रहा, किसी की बननी रही यहाँ जी, सब रो रहे, सब रो रहे, सब रो रहे, किसी की पेंशन नहीं आ जी। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, क्या क्या समस्या है? आप जो है पब्लिक की समस्या सारी करेंगे जी, हम तो जितनी मार पे होगी पूरी मेहनत करेंगे, समस्या को दूर करेंगे, जो भी होगी पेंशन वगैरह जो भी बनेगी मार पे बनवाएंगे। अच्छा, आपसे अलग और भी प्रत्याशी हैं, लोग आपको वोट क्यों देंगे बता दो? मैं तो ये वोट मुझे नहीं देंगे, मैं काम करूँगा। आपसे पहले क्या काम करा आपने, कोई सामाजिक कार्य करा आपसे? हाँ जी करूँगा, जो मान ले जैसा मान ले दिक्कत है, मान ले हम इनकी गैल खड़े हो जाए। नहीं, कोई काम ऐसा किया कोई पहले बता सकते हो? नहीं, पहले तो देखो मैं नहीं कहने लगा, मैंने जी कुछ नहीं करा अभी, मतलब ये भी मैं अपना मिल बिचिल करे। मैं पिछली बार चुनाव आपने लड़ा था, उस बीच कोरोना का समय आया, लोग बड़े पीड़ित थे, बड़े परेशान थे, क्या मदद की लोगों की आपने? जो मार से हुई जी वही जैसे बताओ तो, सैनिटाइजर बांटा, मास्क बांटे? हाँ मास्क बांटे जी, मास्क बांटे जो मतलब दिक्कत हुई उन्हें दिखवाए भी। कितना वोट है इस पूरे वार्ड में? इसमें है जी 5,000। वोटिंग कितना होता है लगभग? वोटिंग हो जाएगा जी 3500 के करीब। सोरा जी, चुनाव आप लड़ रहे हैं, वादे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन जनता ये बता रही है वादे तो बड़े बड़े होते ही हैं शुरुआत से, वादों पर खरा कोई नहीं उतरता, कथनी और करनी में अंतर हो जाता है, जनता को झूठ बोला जाता है, भकाया जाता है, ऐसा ही करोगे? नहीं करेंगे। और क्या करोगे? हम काम करके दिखाएंगे, हम जनता का काम करके दिखाएंगे, अपने बाढ़ में पूरा चमका देंगे हम, जो अगर हम आगे तो हम पूरा चमका देंगे इस बाढ़ को, ये हमारा वादा है जनता से। कितने रास्ते से टूटे हुए हैं जो? ये रास्ते जी सारे ही खराब हो रहे, बस कोई ऐसा नहीं यहाँ जी जो मान लो रास्ता चलने लायक हो, यहाँ पानी भर जाए एक मिनट में, पानी भर जाए एक मिनट में, यहाँ जी बच्चे भी गिरे हैं बड़े भी गिरे हैं, यहाँ सब गंदा हो रहा है माहौल। सरकार की ऐसी कितनी योजनाएं हैं, ये तो मूलभूत योजनाएं होगी, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना होगी जो सरकार की, एक रोजगार योजना सरकार की होती है। हाँ जी, क्या रोजगार मिला है किसी को सरकार की तरफ से? कोई ऐसा लोन मिला है, सबने दुकान खोल ले मकान बना ले कोई? और अभी कोई नहीं मिला यहाँ पे, क्यों नहीं मिल पाया है? यहाँ दिलवाया नहीं किसी ने, जब दिलवाओगा जब भी तो इन्हें मिलेगा, जब हम नहीं दिलवाओगे तो इन्हें कैसे मिल जाएगा? तो कितना वोट बढ़ा होगा लगभग यहाँ वार्ड में? यहाँ जी जो बड़ी
5000 बताए तो। बढ़ी कितनी वोट है परिसीमन के दौरान आपकी बार? आपकी बार भैया पूरी 5000 भी बढ़ गया, बढ़ गई तो हो रही है। अरे बच्चे जो है सिख पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? बच्चे बता रहे स्कूल नहीं है। जाना होता है ये हजार नगर में एक प्राइवेट स्कूल है जी, इसमें बढ़े। अच्छा हमारे माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं, लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं ये मुझे सफल बना मैं और जो है मैं आगे चले गए पूरा काम दिखाऊँ नगर के। इतने ऊपर नहीं मंत्र तो नहीं उड़ेगा? नहीं बिल्कुल नहीं उड़ेगा, कहीं से कहीं लोग नहीं उड़ेगा, ये मेरा वादा है। अभी हमने बात की वार्ड नंबर 3 से जो अब की बार सभासद पद के प्रत्याशी हैं सोरा सिंह जी से, जो जनता से वादा हमारे माध्यम से कर रहे हैं, अगर अब की बार जनता को सभासद चुनती है बनाती है तो जितने भी विकास कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करने का वो पूरा प्रयास करेंगे। बागपत से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट।